सब्सक्राइब करें छड़जिकला टाइम टीवी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਹਨ ਬਾਜਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੰਦੂਜ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ 6 ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੜਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी, कहा चोणों के पहले पड़ा की वोटिंग के रुझान बीजेपी की जीत लगभग तय। करतारपुर साहिब के लांघे के मामले से भारत और पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों वालों जीरो लाइन से बैठक, करीब 4 घंटे चली मुलाकात। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੰਦੂਜ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਲਾਕ ਨੇ ਅਤੇ 9 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁੰਦੂਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पहले पड़ारी वोटिंग रुझान नाल भारतीय जनता पार्टी के केंद्र अते नाल ही ओडिशा विच सत्ता ते काबज होने की संभावना है। मोदी ने ओडिशा के संबलपुर विच चुनावी सभा नु संबोधन करते कहा कि पहले पड़ा दी चोणा तो स्पष्ट तौर पर संकेत मिलता है कि भाजपा केंद्र अते नाल ही ओडिशा विच अगली सरकार का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोगों ने तब्दीली का मन बना लिया है, राज के लोगों ने केंद्र विच भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के गठन का इरादा विखा लिया। मोदी ने दोष लगाया कि राज की नवीन पटनायक सरकार यानी PDS खनन किसानों के कल्याण नाल जुड़िया योजनावां विच भ्रिष्टाचार करन विच शामिल रही है। मोदी ने नवीन पटनायक सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने गरीब लोगों अते किसानों के कल्याण नाल जुड़े आयुष्मान भारत अते प्रधानमंत्री किसान योजना नूं नहीं लागू किया। उन्होंने कहा कि राज विच भाजपा के सत्ता विच आउण ते दोहां योजनावां नूं लागू किया जाएगा। कांग्रेस नेता दे पंजाब दे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार दे कटिहार विच एक चोन रैली नूं संबोधन करदिया विवादित बयान दिता है। सिद्धू ने इत्थे वोटरां नूं धर्म दे आधार ते वोट देण दी अपील कीती है। उन्होंने मुस्लिम धर्म दे लोकां नूं एकजुट होके गठजोड़ दे उम्मीदवार दे तारिक अनवर दे पक्ष विच वोट पाउण दी अपील कीती है। सिद्धू ने कहा कि तुहाडी अजिही लोक सभा है जिथे घट गिनती भी बहुगिनती है, इसलिए जेकर तुसीं एकजुटता दिखाओगे तां अनवर नूं कोई नहीं हरा सकदा है। इत्थे दस दईए कि बीते दिन अजिहे बयान के सख्त रवैया अपनाउंदिआं चोण कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आजम खान, मायावती अते मेनका गांधी के चोण प्रचार से पाबंदी लगा दी सी। उधर कांग्रेस नेता अते पंजाब सरकार विच कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कटिहार की एक चोण रैली दौरान दिते विवादित बयान विच बिहार के चोण कमिश्न ने कार्रवाई के संकेत दिते ने। मिली जानकारी मुताबिक इस मामले नूं लैके चोण कमिश्न ने कटिहार के चोण अधिकारी तो रिपोर्ट मंगी है। चोन कमिशन ने नवजोत सिंह सिद्धू के बयान की सीडी अते बयान की ट्रांसक्रिप्ट मंगी है। रिपोर्ट मिलते ही सिद्धू ते चोन कमिशन वालों कार्रवाई की जाएगी। करतारपुर कोरीडोर संबंधी भारत पाकिस्तान के टैक्नीकल अधिकारियों की खास मीटिंग हुई है। करतारपुर कोरीडोर लैके जीरो लाइन से हो रही मीटिंग 4 घंटे बाद खत्म हो गई। दोहां देशों के तकनीकी विभागों के अधिकारियों विच चली मीटिंग तो मीडिया नूं दूर रखा गया। मीटिंग खत्म हो जाने मगरों भी अधिकारियों ने मीडिया नाल गलबात करने तो गुरेज किया। सूत्रों मुताबिक कोरीडोर बनने नूं लैके सड़कां, सरकारी दफ्तरां, टर्मीनल अते पाकिस्तान वल रावी अते पुल बनाउण नूं लैके खास गलबात की गई। इत्थे दस दईए कि यह मीटिंग डेरा बाबा नानक विच हिंद पाक सरहद ते जीरो लाइन के उपर हुई। दोहां देशों के अधिकारियों ने जीरो लाइन से लगे टेंटा विच बैठ के मीटिंग की।
मीटिंग विच जिथे दोहां देशां विचाले जुड़न वाले करतारपुर कोरीडोर नूं मुकम्मल करन ते गलबात होई है। उत्थे ही सुरक्षा दे लिहाज नाल भी विचार चर्चा होई है। इस दे नाल ही भारत वल्लों बनाए जाण वाले इंटीग्रेटेड चैक पॉइंट पोस्ट दा भी काम अज तों शुरू हो जा रहा है। सरहद ते दोहां देशां दे झंडे लगे देखे जा सकते ने। बेदबी अते बैबल कला कोटकपुरा गोलीकांड की पड़ताल कर रही विशेष जांच टीम के मैंबर आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह के तबादले खिलाफ सरब धिरा के पांच मैंबरी वफद वलों मंगलवार को मुख्य चोन कमिश्नर सुनील अरोड़ा नाल मुलाकात की गई। इस वफद विच एच एस फूलका, पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़, कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंद्र सिंह बाजवा, विरोधी धिर के आगू हरपाल सिंह चीमा, आप दे बागी धिर के मानसा तो विधायक नाजर सिंह मानशाहिया शामिल सन। वफद ने मुख्य चोन कमिश्नर नूं दस्सिया कि बेदबी ते बैबल कला ते कोटकपुरा गोलीकांड की जांच आखिरी पड़ाव विच है। अजे विच जेकर आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह दा तबादला किया जाता है तो इस नाल जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए चोन कमिश्नर नूं अपने इस फैसले ते मुड़ विचार करना चाहिए। पत्रकारां नाल गलबात दौरान वफद की अगवाई कर रहे एच एस फूलका ने कहा कि चोन कमिश्नर वालों कुंवर विजय प्रताप सिंह के तबादले से मुड़ विचार करने का भरोसा दिया गया। उधर श्रोमणी अकाली दल के आगू और साबका कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कुंवर विजय प्रताप सिंह के तबादले से रोक लगाने लिए सरब दल वफद वालों चोन कमिश्नर नाल मुलाकात के मसले से टिप्पणी की है। उन्हें कहा कि इस गल तो जाहिर होता है कि विरोधी अकाली दल खिलाफ एकजुट होकर साजिश कर रहे हैं। पहला तो अज का जो डेलीगेशन है तो सुनील जाखड़ की अगवाई के पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल हुए, आम आदमी पार्टी ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। अगे वधदे आं। बेदबी मामले की तफतीश कर रही एस आई टी के मैंबर कुंवर विजय प्रताप सिंह के तबादले नूं लैके पंजाब विच सिख जथेबंदियां अते लोक काफ़ी औखे नजर आए हैं। संगरूर विच सिख जथेबंदियां ने कालियां झंडियां फड़ के रोस प्रदर्शन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल की शह से भाजपाइयां ने एस आई टी की जांच विच विघन पाया। उन्होंने कहा कि जदों तक कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं मुड़ उसे थां बहाल नहीं किया जाता उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। अज का जोड़ा प्रोटेस्ट है जी, मेन गल तो भी देखो जिहड़ा कुंवर विजय प्रताप सिंह सिट की अगवाई कर रहे सी वह बिना किसी दबा दे बिना किसी डर भय तो जिहड़ी बेअदबी कांड की जांच है वह कर रहे सी। वो जांच हुण बिल्कुल सिरे पहुँच चुकी सी। जिहड़ी बादलों की जुंडली है उन्हां दी जेल जाण की तैयारी सी, उन्हां दी मोदी सरकार नाल भाईवाल होण दे कारण मोदी सरकार दे दबा हेठ चोण कमिशन वल्लों पक्षपात करके कुंवर विजय प्रताप सिंह की बदली की गई है। सो असी चोण कमिशन नूं बेनती करदे आं के पक्षपाती रवैया दूर करके जिहड़ी कुंवर विजय प्रताप सिंह की बदली की उन्हें रद्द किया जाए। बदली तो है दिल्ली विखे विश्व सत्संग सभा वालों आनंद उत्सव नव वर्ष मेला पंजाबी फोक 2019 का आयोजन किया गया। पेश है इस बारे साडी खास रिपोर्ट। विश्व सत्संग सभा वालों आनंद उत्सव नव वर्ष मेला पंजाबी फोक 2019 का आयोजन किया गया। इस मौके मुख मेहमान वजो पंजाबी लोक गायिका श्रीमती डॉली गुलेरिया, अदाकारा सुनीता धीर जी, गीतकार दलजीत अरोड़ा, स्वच्छ भारत मुहिम के ब्रांड अंबैसडर अरविंदर भट्टी जी, मशहूर लोक गायिका गुरमीत बाबा ने मुख मेहमान वजो शिरकत की। इन्होंने नामवर शख्सियतों समाज के पंजाबीयत प्रति किए कामों लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाल भी नवाजा गया। ठाकुर दलीप सिंह जी की सरप्रस्ती हेठ प्रीति सिंह अते उन्हां दी समुची टीम की अगवाई करवाए गए इस विसाखी मेले का मुख मंतव गरीब बच्चों नूं विद्या देना, लोड़वंदां नूं हुनर विकास की सिक्ख्या देना अते महिला शक्तिकरण वर्गे समाजिक पक्खां नूं उभारना सी। इस मौके डायरैक्टर सरदार जतेंद्र सिंह जीतू, डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर,
गायिका लाची बाबा बॉलीवुड अदाकार मुजामिल भवानी नूं पंजाबी नौजवान पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया। इस प्रोग्राम दौरान गतका ते पंजाब दे लोक नाच गिद्धे ते भंगड़े की पेशकारी भी की गई। काबिले जिक्र है कि इस मौके डॉली गुलेरिया का जन्मदिन डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर वालों तैयार किए पंजाबी जिंगल नाल मनाया गया। अज मैं 70 साल की हो गई हूँ और मैं ये जन्मदिन कदी नहीं भुलांगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और इस कुड़ी जड़ी डॉक्टर है ये कुछ होर ही अटैचमेंट हो गई, क्योंकि मैं भी जिंदगी दे विच डॉक्टर बनने की ख्वाहिश करदी एक सिंगर बन के रह गई। अमृतसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, अमृतसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू करे ना आकड़ वे मैं सेंदी ना, चना चनक तेरी बुद्धि मेरे हाथ, मेरी गुत तेरे हाथ, जे तू रखना है रख, जे तू कढ़ना है कढ़। मैयो तेरे नल वसियां के होर कोई वसे भी ना, मैयो तेरे नल कटियां के होर कोई कटे भी ना। ओ धागे बगे जुगनी ओदे हुओ, हो जुगनी ओदे मुओ, हो जुगनी ओदे मुओ, फपे जनु सट इश्क दी लगे ओ वीर मेरे आ जुगनी, वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ी नाम वली दा, जड़ी नाम साईं दा लेंदी आ, जड़ी नाम वली दा, जड़ी नाम साईं दा लेंदी आ, जड़ी नाम अल्लाह दा लेंदी आ। धन्नवाद है जी तुहाडा, तुसी माण रखिया साडा, धन्नवाद है जी तुहाडा, तुसी माण रखिया साडा, तुसी प्यार सानू दित्ता, सतिकार साडा कीता, तुहाडी खुशियां च होवे वादा, धन्नवाद है जी तुहाडा। उधर विसाखी के पावन दिहाड़े से गुरद्वारा मजनू कटीला दिल्ली विखे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष गुरमत समागम कराए गए। इस दौरान डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर वालों साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश गुरपुरब समर्पित शब्द गुरु नानक की वडियाई का वीडियो रिलीज किया गया। पेश है इस बारे सारी खास रिपोर्ट। पावन दिहाड़े उत्ते गुरद्वारा मजनू टीला दिल्ली विखे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष गुरमत समागम करवाए गए, जिस दौरान पंथ प्रसिद्ध रागियां अते कथावाचकां ने संगत नूं हर जस नाल निहाल कीता। इस मौके डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर वालों साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित शब्द गुरु नानक की वडियाई का वीडियो रिलीज़ किया गया। वीडियो रिलीज़ करने की रस्म दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा अते तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब कमेटी के प्रधान अवतार सिंह हित ने वड्डी गिणती सिख संगत की हाजिरी में निभाई। इस वीडियो नूं जतेंद्र सिंह जीतू ने डायरैक्ट किया। इस खास मौके पर श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों के डायरैक्टर मैडम जसविंदर कौर दर्दी भी मौजूद रहे। देश विदेश के दानी सज्जन के सहयोग नाल जिला शहीद भगत सिंह नगर अते नेड़ले गुआंढी जिलों नू विद्यक अते मैडिकल खेतर विच सेवावां प्रदान करवा रहे गुरु नानक मिशन मैडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट टाहां कलेरां दे प्रबंध अधीन चल रहे गुरु नानक मिशन हस्पताल टाहां कलेरां दा 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस विच मुख मेहमान वजो कौंसल जनरल ऑफ कैनेडा मैडम मिया गैर ने कहा कि कैनेडा अते इंडिया विच गुरु नानक मिशन हस्पताल टाहां कलेरा भाईचारक सांझ दा केंद्र बन चुका है। उन्होंने देश विदेश के समूह दानी सज्जना नूं गुरु नानक मिशन हस्पताल टाहां कलेरा दे 35वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी। चंडीगढ़ के 17 सैक्टर विच खिताब ए साबत सुरत सिख रैंप शो सीजन 1 करवाया गया। इसके प्रबंधक अते नैशनल यूथ कल्चर एंड वेलफेयर एसोसिएशन के डायरैक्टर SP सिंह इंद्रजीत सिंह प्रेजिडेंट कोआर्डीनेटर अमोलप्रीत सिंह दा अदारा चढ़दीकला पूजन ते चढ़दीकला टाइम टीवी के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी अते डायरैक्टर सरदार सतबीर सिंह दर्दी वालों विशेष सम्मान किया गया। इस मौके अमित शर्मा अते प्रवेश शर्मा नूं सम्मानित भी किया गया। रुका लेने कुछ होर सियासी खबरों वाल। अकाली भाजपा गठजोड़ के नौ मास वाले रिश्ते विच उस वेले दरार नजर आई जदों भाजपा लीडर ने अकाली आगुआं नूं मीटिंग हॉल जो ये आके बाहर चले जाने लई कह दिता कि यह अकाली दल नहीं सगो भाजपा की मीटिंग है। भाजपा आगुआं वालों ये आखण ते निराश अकाली वर्कर मीटिंग हॉल चो बाहर चले गए।
मामला भगदा वेख भाजपा आगुआ ने इस हरकत लई अकाली वर्करा तो बाद विच माफी भी मांग ली। इस संबंधी जदों हरसिमरत कौर बादल नाल गलबात की गई तो इससे ज्यादा कुछ तो नहीं बोले, पर उन्होंने मीडिया अगे ही भाजपा लीडर तो स्पष्टीकरण जरूर मांग लिया। एक गलती सी जान बुझ के की गई हरकत, भावे कुछ भी हो पर अजिहे मामले चोणां दे मौसम विच दोवां पार्टियां लई नुकसानदायक साबित हो सकते। अच्छा, एक अंदर मीटिंग चल रही थी भाजपा वाले की, उन्होंने स्टेज तो अनाउंस करता भी सिर्फ भाजपा के बंदे बैठन, चाहे वो अकाली दल दे होन होर होन बाहर चले जाए, सारे वर्कर तुहाडे बाहर आ गए। नौ मार्च का रिश्ता सीगा जी, नहीं मैनू तां बुलाया होए, मैं तां अकाली दल भाजपा दी कॉमन हैगी ते अकाली दल तो बिलोंग कर दिया मैं तां जाऊं ना इधर तुसी नहीं लगदा नहीं स्टेज तो अनाउंस नहीं करना चाहिए असी, अकाली दल दे वर्कर भी नाराज ने बाहर खड़े ने सारे। मैनू दस्सो पर अंदर जाके पता तां करा ना जी कोई गल नहीं। अकाली दल ते बीजेपी का रिश्ता है, उस रिश्ते के तहत असी गठजोड़ दे विच इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई अकाली दल साडे तो पर लगदा नहीं इंसल्ट उन्हां दी होई है, उठ के बाहर आना पै गया, कुर्सियां छड़नियां पै गईयां उन्हां नूं। एक तरीका हुंदा है कहन दा, कहन दा तरीका हुंदा है बिल्कुल मंच तो नहीं कहना चाहीदा सी, लगदा भी गलती हुई हैगी, इह गलती क्योंकि इलेक्शन दे दिनां च इक छोटी जी गलती वड्डी पै सकदी है। साडे पड़ा रहे हैं वड्डी इंचार्ज अमन अरोड़ा ने जलंधर विखे हरबंस कौर दुल्लो नूं पार्टी विच शामिल करने तों बाद कीता। हरबंस कौर कांग्रेस दे सीनियर आगू अते राज्यसभा मेंबर शमशेर सिंह दुल्लो की पत्नी ने। इस तो पहला हरबंस कौर 2012 विच बसी पठाना हल्के तो कांग्रेस की टिकट ते विधानसभा की चोन लड़ चुके ने, जिस विच वो अकाली दल दे जस्टिस निर्मल सिंह हथों हार गए सन। हरबंस कौर पहली लोकसभा चोण डिवेलपमेंट हुई जिदे बीबी हरबंस कौर जी ने आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहला चुप चुपीते ऑनलाइन ज्वाइन की, और फिर जदों गल चली तो उस तो बाद ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੌਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੁੱਲੋ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੁੱਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਟਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।